ये रवि भी, शुक्र है आप आ गई। क्या बात है नूरी, सब खैर तो है? परेशान लग रही हो। हाँ जी सब खैर है। वो ना अशर साहब बहुत गुस्से में थे। क्यों अशर क्यों गुस्से में? उन्होंने ना वारिस बाबू को रोते हुए देख लिया था। जरूर जोया ने कान भरे होंगे। नहीं नहीं जोया बीबी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो तो कह रही थी कि हो सकता है आपको जरूरी काम पड़ गया इसलिए लेट हो गई। और अशर कहाँ है? वो तो जी सोया बीबी को शॉपिंग कराने लेके गए। शॉपिंग के लिए गए? और वारिस? वो अंदर कमरे में सो रहे हैं। अच्छा तुम जाओ, मैं देखती हूँ। जी क्या हुआ, किसका फोन था? मेरा। तो काट क्यों दिया? उसका फोन रिसीव करने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए मुझे। ओके आई एम सॉरी। माफ कर। अच्छा तुम फिर सवाल पूछो। हाँ पूछो। तुमने मेरे लिए साड़ी क्यों चूज की? इसलिए कि साड़ी तुमको बहुत सूट करती है, तुम बहुत प्यारी लगती हो साड़ी। मुझे तो लगता है कि साड़ी बनाई तुम्हारे लिए गई है। बस 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 बस। क्यों क्या कह दिया मैंने? मैं कंफ्यूज हो गई थी कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या साड़ी की। और ये शायरी कब से शुरू कर दी तुमने? एक्चुअली मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, रही बात शायरी की, वो तो तुम्हें मालूम है कि मैंने स्टूडेंट लाइफ में तुम्हारे लिए बहुत किया। याद है मुझे सब याद है, तुम्हारे साथ गुजारा अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा याद है मुझे। चलो पहला शेर सुनाओ, क्या कहता हूँ? सुनाती हूँ लेकिन उससे पहले मुझे भूख लगी है। हेलो हेलो तैमूर साहब, सलमान साहब मेरी कॉल नहीं उठा रहे इसलिए मैंने आपको कॉल किया। जी सफदर साहब। मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि कोई बात बनी। कैसी बात सफदर साहब? मैंने सोचा है कि शायद शकील साहब अपने फैसले को बदल दें। जी नहीं, उन्होंने आपको निकालने में कोई जल्दी नहीं की, बल्कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आपके खिलाफ फैसला किया, और अब इसे तब्दील करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तैमूर साहब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। घर के खर्चे तो अपनी जगह बरकरार है ना? आप सही कह रहे हैं, मगर ये आपको उस वक्त सोचना चाहिए था जब आप अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह निभा नहीं रहे थे। सर मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, आप ही कुछ करें ताकि मैं जॉब पे वापस आ जाऊँ। सफदर साहब आप तो जानते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सारे फैसले शकील साहब करते हैं। हाँ अलबत्ता एक काम हो सकता है। वो क्या? आप फरीद साहब से बात करें, हो सकता है वो आपकी कुछ मदद कर दें। अच्छा चले मैं फरीद साहब से बात करता हूँ। चलो ठीक, ओके अल्लाह हाफिज़। क्या कर रही हो गुड़िया? बाबा देखिए कार्ड कितना प्यारा है ना। कार्ड तो वाकई बहुत अच्छा है। फरीद वैसे कितना अच्छा हो गया ना, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई है, एक और काम करें। अब क्या रह गया? फरीद मैं ये सोच रही हूँ कि जो अपना घर खाली रखा हुआ है उसको क्यों ना हम किराए पे दे दें, और पैसे मिला के इस घर का किराया भरते जाएं, बोझ भी नहीं होगा। ये ठीक रहेगा। मम्मा भी डॉल चाहिए। डॉल चाहिए? एक काम करते हैं, आपकी सालगिरह आ रही है ना, फिर आप जो बोलेंगी मम्मा लेकर देगी। ये क्या सालगिरह की प्लानिंग चल रही है माँ बेटी में? फरीद मुझे ऐसा लगता है हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे हालात जो ठीक हुए हैं वो अलीजा की वजह से हुए, तो इसकी सालगिरह जरा धूमधाम से करें। बाबा 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 खाला को फोन करें ना। हाँ खाला को फोन करते हैं। मेरा फोन तो रमशा के कमरे में, मैं भी लेकर आता हूँ। बाबा रुक जाए, उनके कमरे में मत जाए, वो बहुत लड़ेंगी। नहीं मेरी जान कुछ नहीं होगा, मैं दो मिनट में फोन लेकर आता हूँ, आप यहीं बैठो। ठीक है
तेरे नाहत हुई तेरे हेलो कैसे हो कमल बेटा। आई एम फाइन, आप कैसी हैं मम्मा? इतने दिन हो गए आपने फोन ही नहीं किया, इसलिए सोचा कि आज मैं फोन करूं। अरे बहुत अच्छा किया तुमने फोन किया, मैं बहुत मसरूफ थी बेटा। दरअसल वो आने वाले जुमे को वारिस का अकीका है ना, अरे तुम भी आ जाओ। क्या ही अच्छा हो कि मेरे पोते और नवासी की दोनों साथ साथ हो जाए। मम्मा आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। ये भी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कनाडा है भी तो बहुत दूर। ये बेटियों की शादियां ना बाहर नहीं करनी चाहिए, आंखें तरस जाती हैं उनकी शक्ल देखने को। अब जोया को देख लो ना, हर हफ्ते अपनी माँ के यहाँ चक्कर लगाती है। वैसे अम्मी जोया की हिम्मत को दाद देनी चाहिए, आपकी मोहब्बत को पाने के लिए वो अपनी सौतन खुद ही ले आई, लेकिन आपने उसे कभी भी दिल से बहू नहीं माना। मेरे मानने न मानने से क्या होता है, अशर के दिल में तो आज भी वही है, और ऐसे में मुझे तो हीरा का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। अच्छा मामा आप ऐसा क्यों नहीं करती कि कनाडा का चक्कर लगा लें? इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और आपको चेंज भी मिल जाएगा, आखिर हीरा की माँ भी तो हीरा के साथ ही रहती है ना। अरे उन्हें तो मैंने ही यहाँ रुकने को कहा है, हीरा का दिल भी तो नहीं लगता ना उनके बगैर। मामा मैं ये तो नहीं कह रही आपको कि आप हमेशा के लिए मेरे घर पे आ जाए, माएं बेटियों से मिलने के लिए भी तो आती है ना। चलो ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कनाडा आने की, फिक्र ना करो। चलें, अच्छा अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नूरी, नूरी, अरे कहाँ रह गई नूरी? जी बेगम साहबा। वो हीरा घर आ गई है वापस? हाँ जी वो तो आ गई है। कहाँ है? अपने कमरे में। चलो ठीक है मैं लॉन में जा रही हूँ, मेरी चाय वहीं ले आना और हीरा से कहो वो भी वहीं आ जाए। जी बेगम साहबा। पापा जल्दी से खाला को फोन करें ना, मैं उनसे बात करूंगी। अच्छा भाई करते हैं, खाला को फोन करते हैं। फरीद साहब का नंबर इतना बिजी जा रहा है। कौन फोन कर रहा है, उठा लो ना सुन लो। अम्मी अननोन नंबर है, मैं नहीं उठा रही। बेटा अननोन नंबर उठा लिया करो, बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई अपना होता है किसी और नंबर से फोन कर रहा होता है, अपने फोन की बैटरी डाउन हो जाती है। उठाओ बाबा है तो। जी सही कह रही हैं आप। क्या हुआ बाबा? बिजी जा रहा है फोन अभी। तो दोबारा कॉल करे ना। अच्छा भाई दोबारा करते हैं। हेलो हेलो, हाँ हीरा फरीद बात कर रहा हूँ। जी रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? मैंने कहा था ना अम्मी रॉन्ग नंबर है, ऐसे बस तंग करते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तुम हंसते हो हैं? बहुत हंसी आती। अरे भाई अरे भाई। क्या हुआ बाबा, खाला ने बात नहीं की? अलीज़े मुझे लगता है कि आपकी खाला मुझसे कुछ नाराज है। बेगम साहबा आपसे एक बात करनी है।
बोलो क्या बात है? उन्हें गांव से मेरी अम्मा का फोन आया था, उनकी तबीयत बड़ी खराब है। क्या हुआ है उनको? उनकी ना नजर कमजोर हो गई है, कम दिखाई देता है। अच्छा, नजर कमजोर हो गई है, डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर, लेकिन गांव में ना कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ बुला लो। बेगम साहबा, शहर में मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानती, पता नहीं कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। इन चार डॉक्टरों को मैं जानती हूँ, मैं ले जाऊंगी। ठीक है बेगम साहबा, मैं उन्हें ना बुला लूंगी। ठीक है, ये चाय गर्म करके ले आ। हेलो। हाँ फरीद, मैं सायरा बात कर रही हूँ। शुक्र है माँ, आपने फोन तो किया। तुम्हें पता तो चला होगा कि आज हम तुम्हारे घर आए थे। जी जी, मुझे पता चला, लेकिन आप कुछ देर रुक जाते, मुझसे मिलकर जाते। बेटा, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी बीवी ने आज हमारी कितनी बेइज्जती की है। और तुम्हारे घर से निकलने के बाद तो हिरा मुझे हॉस्पिटल ले गई थी। तुम खुद सोचो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बीवी हमारी अलीजे का क्या हाल करती होगी। अगर तुम अलीजे को अपने साथ ले जाने की जिद ना करते तो शायद आज हमारी इतनी बेइज्जती नहीं होती। क्या कहा अम्मा को? कौन अम्मा? हमारे घर में तो कोई अम्मा काम नहीं करती। अलीजे की नानी की बात कर रहा हूँ। ओ, उनकी बात कर रहे हो, मुझे क्या जरूरत है उनसे कुछ कहने की। तुमने अम्मा और हिरा के साथ बदतमीजी की है। रमशा, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि घर आए मेहमान से किस तरह बात की जाती है? माइंड योर लैंग्वेज फरीद, दूसरों की खातिर अपनी बीवी से इस लहजे में बात नहीं करते। दूसरे नहीं है वो, अलीजे की नानी है, मेरी माँ की जगह है वो। नानी है तो अपनी नवासी को अपने पास रखें, यहाँ क्यों रखा हुआ है? क्या उनके घर में कोई जगह नहीं है? उसे मैं यहाँ पर खुद लेकर आया था अपनी मर्जी से। क्यों लायो? यहाँ वही रहेगा जिसे मैं रखना चाहूंगी। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपनी बेटी को अपने साथ भी नहीं रख सकता? नहीं रह सकती, वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ से ले जाओ उसे। हंसती भी बहुत गहरी बनती है, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहती है। तुम मेरे साथ होते हो ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे लगता है जैसे जिंदगी की सबसे कीमती चीज मेरे पास। क्यों, ऐसा क्या मिला? तो मेरी मोहब्बत हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी की इब्तिदा भी हो और इंतहा भी। पता है, मैं जब तुम्हें खोने के बारे में सोचती हूँ ना, बस वही मर जाती। मेरी समझ में नहीं आ रहा था तुम क्या उसे इस कदर प्यार करती हो, उसके बावजूद मेरी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया। मुझे अपनी उस गलती का एहसास बहुत पहले हो गया था अर्श। तुमने ठीक कहा था कि मैं बहुत पछताऊंगी। चलो, अब इस बात पे पछताने की जरूरत नहीं है, तुमने जो कुछ किया ठीक है। मतलब तुम्हें हिरा से मोहब्बत तो नहीं हो गई ना? मेरी मोहब्बत भी तुम हो और मेरी चाहो, लेकिन लेकिन मेरा घर मुकम्मल करने वाली है। नहीं अशोक, तुम्हारा घर हिरा ने मुकम्मल नहीं किया। मैंने हर पल हर घड़ी अपनी जात की नफी की, अम्मी की ज्यादतियों को सहा, बहुत जहर पिया है मैंने। हिरा को हर मुमकिन खुश रखने की कोशिश की है कि कहीं वो तुम्हें छोड़ के ना चली जाए, कहीं हम वारिस से महरूम ना हो जाए। तुम्हारा घर हिरा ने मुकम्मल नहीं किया है,
ये काम और करो, खाना खा लो। अलीजे, 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 क्या किया तुमने इसको? मैं ऊपर जा रही थी, मुझे टकरा के गिर गई। झूठ बोल रही हो तुम, धक्का दिया तुमने इसे। अलीजे, मैंने इसे धक्का नहीं दिया। तुम दोनों लड़ना बंद करो, उठाओ इसे लेके हॉस्पिटल चलो। अलीजे बाबा, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। अलीजे, 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 अलीजे बेटा, अलीजे, चाहत हुई तेरे नाम।